катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно... Русский private army Wagner Group के मुखिया येवगिनी प्रिगोजिन की मौत से Wagner Group समेत पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रिगोजिन की मौत हुई, वो पूरा घटनाक्रम कई बड़े सवाल खड़े करता है। और अब प्रिगोजिन की मौत पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने रूसी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि येवगिनी प्रिगोजिन एक प्रतिभाशाली कारोबारी थे जिसने जिंदगी में कई गंभीर गलतियां की। मैं येवगिनी प्रिगोजिन को बहुत लंबे समय 1990 के दशक से जानता हूं। वो एक जटिल भाग्य वाला व्यक्ति था और उसने जीवन में गंभीर गलतियां की। उसने वो परिणाम हासिल किए जिनकी उसे जरूरत थी और जो मैंने उसे हासिल करने के लिए कहा, जो हम दोनों के लिए दोनों की जरूरत थी, जैसे कि इन पिछले महीनों में हुआ था। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक प्रतिभाशाली व्यवसायी थे। उन्होंने न केवल हमारे देश में काम किया और परिणामों के साथ काम किया, बल्कि विदेश में, विशेष रूप से अफ्रीका में भी काम किया। येवगिनी अफ्रीका में तेल, गैस, कीमती धातुओं और पत्थरों के कारोबार से जुड़े थे। आपको बता दें कि पुतिन के अगर इस पूरे बयान को बारीकी से सुना जाए तो एक बात गौर करने वाली है, वो ये कि पुतिन अपने बयान में कह रहे हैं कि येवगिनी ने जीवन में गंभीर गलतियां की। यानी कि पुतिन का इशारा जून 2023 में वैगनर ग्रुप का विद्रोह था, जिसकी वजह से पुतिन की गद्दी खतरे में आ गई थी। हालांकि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मध्यस्थता के बाद प्रिगोजिन रूस से निर्वासित होकर बेलारूस चले गए थे और तब कहा गया था कि प्रिगोजिन को कोई सजा नहीं मिलेगी और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पुतिन ने प्रिगोजिन की गद्दारी को माफ कर दिया। लेकिन इस दौरान पुतिन का एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया था जिससे वैगनर मुखिया की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उस वक्त पुतिन ने कहा था कि वो जिंदगी में सब कुछ माफ कर सकते हैं, लेकिन गद्दारी माफ नहीं कर सकते। Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. पुतिन के इस बयान को तो आपने सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने दो टूक कह दिया था कि वो विश्वासघात को कभी नहीं माफ कर सकते। और यही वजह है कि खुद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि प्रिगोजिन के प्लेन में चुपके से विस्फोटक रख दिया गया था। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि उन्होंने प्लेन क्रैश से पहले बड़े धमाके की आवाज सुनी थी। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि प्रिगोजिन के प्लेन को बम से उड़ाया गया या फिर जमीन से हवा में मार करने वाली किसी मिसाइल से। हालांकि प्रिगोजिन से जुड़े एक टेलीग्राम चैनल ने दावा किया है कि प्रिगोजिन के प्लेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से उड़ाया गया है। हालांकि इस दावे की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब प्रिगोजिन ने पुतिन से विद्रोह किया था, तब से ही कई देश ये अंदेशा जता रहे थे कि प्रिगोजिन को पुतिन कभी भी मरवा सकते हैं।